बोकारो जिले के कसमार के दातू गांव का रहने वाला 24 साल का ये युवक, जिसका नाम है प्रसन्नजीत कुमार, ये आज कई युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। दरअसल प्रसन्नजीत एक अनोखे मेडिसिनल प्लांट उगाने के कारण इन दिनों चर्चा में है। इस युवा ने अपनी सोच, मेहनत और जुनून से वो कर दिखाया, जिसे देखकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र के कई ज्ञाता भी हैरत में हैं। झारखंड राय विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट प्रसन्नजीत कुमार ने नोनी नामक एक मेडिसिनल प्लांट अपने छोटे से फार्म में उगाकर सबको चौंका दिया है। नोनी एक ऐसा फल है जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक उपचार के लिए हजारों वर्षों से किया जा रहा है। प्रसन्नजीत कुमार के नोनी उगाने से सब इसलिए हैरान हैं क्योंकि इस फल और इसके पौधे को खोजना आसान नहीं, क्योंकि हर जगह नोनी नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि नोनी के बीजों का अंकुरण सिर्फ ट्रॉपिकल तापमान में होता है। कई पोषक तत्वों से भरपूर नोनी ट्यूमर और कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकने में भी कारगर है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता और बालों की ग्रोथ में ये फायदेमंद साबित होता है। प्रसन्नजीत बताते हैं कि उनको नोनी की खेती का आइडिया उनकी माँ से मिला, क्योंकि उनकी माँ भी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और ट्रेडिशनल तरीके से बीमारियों का इलाज करती हैं। इस काम में उनकी मदद उनके एक प्रोफेसर ने भी की। जाहिर है कि एक ओर जहाँ रासायनिक खेती से आजकल लोगों को बीमारियों की फसल मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रसन्नजीत जैसे युवा खेती के जरिए कई गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखने वाले फसल उगाकर एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे सभी किसानों को सरकार उचित सम्मान और मदद देकर इनका हौसला अफजाई जरूर करेगी। इसके नोनी के फार्मिंग में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी। इसमें इसके बीज को अंकुरित करना सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहा है, और करीब आज हम 3 साल से इसकी खेती करने में लगे हुए हैं। और इसके बीज को अंकुरित हमने 45 से 50 दिनों में ही कर लिया था, जबकि समुद्री इलाके में ये करीब 6 महीने इसको अंकुरित होने में लगते हैं। इससे मतलब क्या क्या फ़ायदा है, कितना पौधे लगाए थे आपने, कितना हुआ? हमने 120 पौधे मेरे तैयार हुए थे, लेकिन हम करीब 16 पेड़ ही बचा पाए हैं। और आज 16 पेड़ जो हैं वो करीब अच्छे खासे हाइट पे हैं, फल भी अच्छे खासे आने लगे हैं। और इसके जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी, ये जो आप फल देख रहे हैं ये 21वीं सदी की संजीवनी बूटी की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। ये काफ़ी औषधीय गुणों वाला है। ये आप कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, स्त्री रोगों के लिए, साथ ही लीवर फंक्शन के लिए, हृदय रोगों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। बहुत खुशी हो रहा है, कहे कि इधर कहीं भी नहीं हो रहा है पूरे भारत में, और बहुत कड़ी मेहनत से ये नोनी का पौधा उगाए हैं और आज इतना मैंने फल प्रत्येक साल, आज 3 साल से हो रहा है, प्रत्येक साल 10 से 15 किलो तक ले एक पेड़ में फल दे रहा है। और वो फल जैसे अर्क निकालते हैं, काढ़ा बनाते हैं, इस तरह का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई अगर किसी का बुखार आ गया अगल बगल में, तो उन लोग को हम लोग बताते हैं, जैसे लीजिए मेरे घर में नोनी है, 5 पत्ता ले जाइए और 5 पत्ता का काढ़ा बना के पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। बस इतना ही बनाते, जैसे लिक्विड हो गया और काढ़ा। रोग में इसका फायदा हो सकता है? इसमें रोग हो गया जैसे स्त्री रोग में जितना तरह का बीमारी है, हो गया लिकोरिया, हो गया योनि संबंधी बांझपन, और डायबिटीज, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर और पथरी, हाथ पैर में जो जलन और घुटना में दर्द, कहीं भी दर्द, रीढ़ के हड्डी में दर्द, माथा में दर्द, कहीं भी दर्द, बुखार, भयंकर से भयंकर बुखार, काला जैसे काला ज्वर होते हैं, और ये मलेरिया होते हैं, टाइफाइड होते हैं, ये सब का रामबाण है। क्या क्या इससे यूज करते हैं? खिलौनी यूज करते हैं कि और भी इसका कुछ यूज करते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नोनी यूज करते हैं, नोनी के बारे में तो नोनी यूज कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।